बात अर्ज करना चाहता हूं कि जब जब मातृशक्ति की बात होती है, जब जब महिलाओं के सशक्तिकरण की योजनाएं बनाई जाती है, जब जब खवातीन के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी को देखने और समझने की जरूरत पड़ती है, तब 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 किसी शायरा या कवित्री के कलाम के जरिए आज की खवातीन, आज की महिलाओं का दिल के जज्बात समझने की जरूरत पड़ती है। मेरी डाइस पर जो शायरात और जो कवित्री हैं, उनमें बहुत से ऐसे नाम, बहुत से ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने आज की खातून के जज्बात और एहसास को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी शायरी का हिस्सा बनाया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मीर की आंखों के आंसू मीरा की आंखों से निकलने लगे, ये कमाल है। जब उर्दू और हिंदी की मिली जुली महफिलें इसी तरह से मोहब्बतों के पैगाम काम करती हैं। आइए, मैं हिंदी टाइम्स के बहुत सफल हस्ताक्षर, एक ऐसी कवित्री जिन्होंने बहुत कम समय में दुनिया भर में हिंदी के जितने भी मुशायरे हैं, उर्दू के जितने भी कवि सम्मेलन हैं, इन तमाम महफिलों में मोहब्बतों के साथ अपने जज्बात की तर्जुमानी की है और लोगों की दादो तहसीन हासिल की है। मोहतरमा अनामिका अंबर को आपने बारहा सुना है, अनामिका अंबर साहिबा मेरे से तशरीफ लाई है और अपने कलाम के साथ आज खातून के जज्बात और एहसास की तर्जुमानी करने का जो हुनर और सलीका उनके पास है, उस नमूने को पेश करना यह उनका फरीजा भी है और उनका मन भी। मैं चाहता हूं कि वो अपना कलाम सुनाएं। जहां तक मेरी नजर जा रही है, जितने लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं सबको बहुत बहुत प्रणाम करती हूं। हिंदी मंच से हूं, उर्दू के आंगन में हूं, तो आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूं। कोई भी बात आपके दिल के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। मंच पर आ जाए शीशा की गौरवमयी उपस्थिति है, बहुत बड़े बड़े नाम मंच पर उपस्थित हैं, मैं भी आपके बीच हूं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद आपका करती हूं। सुने कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। बहुत बहुत आभार, बस आपका यही मन मुझे चाहिए। कोई बात अच्छी लगे तो आपका मन मुझ तक जरूर पहुंचे ताकि मैं थोड़ी देर आपके बीच खड़ी रह सकूं। और मैं तो ये पूछना ही भूल गई थी आपसे कि मेरे पास कितना समय है। आपको देखने के बाद खड़ी देखने की फुर्सत किसे मिलेगी? देखिए, मुझे पता था कि आप ऐसा ही कुछ बोलेंगे, इसलिए मैं पहले अपने कर्तव्य का निर्वहन कर दूं, ये चार पंक्तियां पहुंचा दूं, फिर जैसा कि आप जानते हैं मैं भी उत्तर प्रदेश से हूं, कोई भी उत्तर नहीं रखती, आपकी फाइल में जरूर निपटाऊंगी, इस बात का उत्तर मैं जरूर दूंगी, यदि आपका मन हो तो मैं जरूर उत्तर दूं। लेकिन उससे पहले मैं ये पंक्तियां पूरी कर दूं, सुने। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है, मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह, तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह, मालिक एक है सबका, मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह, मालिक एक है सबका, मेहर मुकद्दर जाग उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है।
अच्छा बात रही वो तो ठीक है, लेकिन आप ऐसे देख भी रहे हैं और वो भी हम सबके सामने। देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं बस इतना ही कहूंगी, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते। क्या कहना भाई, अब आ जाए बैठे, अब आप प्रोग्राम का मजा लीजिए, अब जिंदा दिल के साथ सुनिए मुशायरा और कविसम्मेलन को, मुशायरा बनाइए, बस तालियों की गूंज में एक बार आनंदिता अंबर जी का स्वागत कीजिए ताकि उन्हें लगे कि आप सुन रहे हैं। वैसे मेरा ये भी मन था कि यहाँ से मुझे बहुत दाद मिल रही है, पर थोड़ा सा और आपका भी मन बन जाए तो मुझे और अच्छा लगे। अब कहती हूँ सुने, किसी से मांग कर अपना गुजारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते, निभाते हैं सभी वादे किनारा हम नहीं करते, खुदा इशारा हम नहीं करते, लड़के खुद भटकते हैं इशारा। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं तो बस आपके बीच आई, ये लगातार आवागमन बंद चलता ही रहे। चार लाइन की और कहती हूँ, चार लाइन आप तक पहुंचाती हूँ, बात अच्छी लगे तो आपका मन मुझे मिल जाए। सुनिए, मोहब्बत के हसी आस दे देना, आइए बैठे, मोहब्बत के सफर बैठे, बहुत दूर से दौड़ करके आए, ये बिल्कुल नया ही है जो आप तक पहुंच रहा है। अच्छा, आप इसीलिए आए हैं यहाँ पे। सुने सुने, मैं आपसे कहती हूँ कि आज मंजर खराब हो जाता, हिसाब हो जाता। अब आपसे कहती हूँ कि ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, ठीक है बात बढ़ नहीं पाई, वरना तू पे नकाब हो जाता, वरना तू पे नकाब हो। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ, बस मेरा साथ दे कि मोहब्बत के सफर को एक हसी आवाज दे देना। अब्दुल कलाम साहब मेरे ख्याल से व्यस्त हैं। अच्छा जी, आपका की तरफ से है, मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुने सुने, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मोहब्बत के सफर को एक हसी आवाज दे देना, मेरा करो सुरा उठे तुम्हें साज दे देना, मेरा करो सुरा उठे तुम्हें साज दे देना, वरना समय की सीमा है और ये बहाना भी बहुत खूबसूरत है, मैं अपनी जगह ले लूं। मैं आप तक बात पहुंचाती हूँ, सुने कि मोहब्बत के सफर को हसी आवाज दे देना, मेरा करो सुरा उठे तुम्हें साज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़।
करो आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़, करो आवाज दे देना, चली आऊंगी मैं सब छोड़, करो आवाज दे देना। और यदि आपकी अनुमति हो, इजाजत हो, ये लो। अच्छा मैं तो अनामिका जी सोच रहा था, अभी शब्बू खान जी चार पांच गुलाब एक साथ लेकर आए, तो मैं सोच रहा था देखो किस्मत वाले लोग होते हैं कि रोज डे पे एक गुलाब दे देते हैं, एक गुलाब से उनका काम चल जाता है। मुशायरे की महफिल में पांच गुलाब इकट्ठे करके दो तब भी आपने सही तरह से उनकी तरफ देखा तक नहीं, ये बड़ा अच्छा मामला था। जरा सा तालियां वालियां बजा दीजिए हफीज मलिक साहब ने, इतना अच्छा मुशायरा। नहीं नहीं, मैंने उन्हें बहुत अच्छे तरह से देखा, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने पूरे पिता की नजर से उनको देखा, बस यही तो बैठा। आपने पता नहीं क्यों ध्यान नहीं दिया, और अब उनकी फरमाइश है आपसे मैं माफी चाहूं जो ये बैठे हैं फंस करके जाके। देखिए मुझे फरमाइश आई है तो अब वो मैं नया करके नहीं कर सकती हूँ। और रही बात उनकी, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, वो बहुत आदरणीय है, फादरणीय है, और वो विश्वसनीय है या नहीं है वो आप जाने। तब कहती हूँ कि जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, जैसा तन दिख रहा वैसा मन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, ऐसा वैसा न कोई जतन कीजिए, तीर्थ के दान में प्रेम कहते नहीं। मेरी बात पहुंच रही, बिल्कुल सही जगह पहुंच रही, तो सुनाती हूं कि तीर्थ के दान में प्रेम कहते नहीं, तीर्थ के दान में प्रेम कहते नहीं, ये उम्र है भजन की, भजन कीजिए, ये उम्र है। हालांकि आजकल भजन करने से भी कोई फायदा नहीं है, जब से आशाराम जी को जेल हुई है। नहीं, गोंडा, 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 आप ये बताइए, यदि फरमाइश की पंक्ति आएगी तो कैसे सुनोगे? भाई देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये इस तरह के सवाल जवाब करेंगे तो पूरी रात में एक शायर को भी पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब फरमाइश किसी शायर या शायरा से की जाती है तो इसका मतलब यह है कि उसका पुराना कलाम है जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया है, तभी तो फरमाइश की जा रही है। जब फरमाइश नहीं सुन रहे हैं तो ये कहने का हक नहीं बनता कि आपने कहां पढ़ा है उसको, फिर आप सुनिए उसको। देखिए कोई फायदा तो वैसे है नहीं, ये रामलाल की बारात में जाते हैं और श्यामलाल का बैंड अच्छा बजता है तो उसमें ही नाचने लगते हैं, तो आपकी बात पे भी ताली बजा रहे हैं, मेरी बात पे भी ताली बजा रहे हैं। मैं चार पंक्तियां कहती हूँ। देखिए मैं मानती हूँ कि बातचीत बहुत अच्छी हो रही है और आप बहुत उसको आनंद ले रहे हैं, लेकिन एक और बात है, मेरे पीछे चाय बट रही है। हालांकि आजकल चाय वालों को कुछ नहीं कहना चाहिए, पता नहीं चलता कब कौन प्रधानमंत्री बन जाए, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। अनामिका जी, खाली चाय बेचने से कुछ नहीं होता है, इसके लिए पत्नी को भी छोड़ना पड़ता है। नहीं, मैंने सोचा आप पकौड़े की दुकान के बारे में सोचो। सुने, बहुत बड़ी बात इस देश में हुई, कभी 2012 में एक घटना घटी थी जिसे निर्भया कांड कहा गया था। मैं केवल चार पंक्तियां, बिल्कुल नई पंक्तियां मंच से उस आसिफा को समर्पित करती हूँ जिसको ये पंक्तियां पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये लाइन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और मैं मंच के इन लोगों से ये अनुरोध करती हूँ कि थोड़ा सा जल्दी कर लें। हाँ, जल्दी से पीछे चले जाओ। ये बहुत खूबसूरत सी नज्म पढ़ी जा रही है और आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक मिसरे एक एक पंक्ति मन से सुने और लगना चाहिए कि ये आपके इस खूबसूरत इलाके में ये नज्म पढ़ी जा रही है। मैं चार लाइन आसिफा को समर्पित करती हूँ। एक बार उसका चेहरा जहन में रखें, वो लड़की जो आप सबसे इस बार की रिक्वेस्ट करती है कि हमारी रक्षा करो, बेटी बचाओ, क्यों बचाओ, मैं कहती हूँ, पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने कि खून अन्न कहीं उबलता है,
क्या कहना, खून रंग कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, खून रंग कहीं उबलता है, बाज चिड़िया को जब मसलता है, लड़कियों जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है, जिनसे तूफान बच के चलता है। और आइए केवल चार लाइन और कह करके मैं अपनी जगह लेती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है और मुझे इशारे में बता दिया गया है, मैं आप तक पहुंचती हूँ। सुनिएगा कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, वाह वाह वाह, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे जान ना पाए कभी वो राज मत होना, जिसे कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो जाना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। साथियों, अनामिका अंबर जी जो हिंदी डाइस की बहुत सफल हस्ताक्षर हैं और उन्होंने आज की खातून की, आज की महिला की जज्बात और एहसास की तर्जुमानी की, महिला सशक्तिकरण का दौर है, लेकिन उसके इस दौर में भी, इस अहद में भी हमें महिलाओं के दर्द और उनके एहसास की शायरी उनसे सुनते वक्त इस एहसास को समझने की जरूरत होती है। ये सिर्फ सियासी नारे हैं जो लगाए जाते हैं, ये हुकूमतों के ऐलानात हैं जिनके विज्ञापन अखबारों में दिए जाते हैं, असल में इस तरह की कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं होती जिसके तहत ये कुछ सोचा जा सके कि वाकई ख्वातीन के तहफ्फुज के लिए किसी तरह की सरकारी कोई प्रोग्राम या कोई स्कीम बनाई गई हो। बहरहाल आइए।